नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बीएसएन में पोर्ट कराने की सोच रहे हो तो। और ये क्वेश्चंस आप ही लोगों के हैं, हमने पुरानी वीडियोस बनाई है बीएसएन पे कि आपको पोर्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसी में लोगों ने बार बार ये क्वेश्चन पूछे हैं तभी हमें पता लगा कि आपको डाउट है, इसलिए हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एंड तक देखने के बाद ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और कमेंट सेक्शन में आप अपने और भी डाउट लिख सकते हो, हम उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बिना किसी देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब आप पोर्ट कराते हो तो आपको जो फर्स्ट रिचार्ज होता है जो किसे बोलते हैं FRC, क्या वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। एक्चुअली वो शॉप टू शॉप पर भी डिपेंड करता है, कौन सा शॉप वाला आपको कौन सा ऑफर बताएगा उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जब मैंने BSNL सिम पोर्ट कराया था तो मुझे 100 रुपये लगे थे, 100 रुपये की FRC लगी थी और उसमें मुझे 2 महीने का इंटरनेट मिला था, 2 GB पर डे और कॉल और मैसेज अनलिमिटेड मिले थे मुझे, तो ये मेरा FRC थी। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपको भी सेम मिले, आपकी अलग हो सकती है, तो आप अपने दुकानदार से जाकर पूछ सकते हो। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्या होगा जब मेरे BSNL में जो प्लान दिलाया है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे और कंपनीज में होता है इसमें भी ऐसी होगा, जब आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा तो उसमें आपको 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ग्रेस पीरियड मतलब आपको रिचार्ज कराने का टाइम देती है कंपनी, आपकी इनकमिंग चलती रहती है और आउटगोइंग बंद हो जाती है, तब आप अपना रिचार्ज करा सकते हो। सेम वे BSNL में भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ से अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने BSNL में सिम में पोर्ट कराने का जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया, तो कितने दिन बाद मेरा BSNL में सिम एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, मोस्टली आपको 3 दिन में आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो सपोज अगर मैंने मंडे को रिक्वेस्ट डाली पोर्ट की तो मेरा थर्सडे की सुबह तक यहाँ पे हो जाएगा काम। अब यहाँ पे आप अपने प्रीवियस सिम में उस हिसाब से रिचार्ज कराना कि आपके पास 1-2 दिन का नेट बचा हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो आप फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में क्या BSNL चलता है कि नहीं चलता है। सबसे पहली कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप BSNL का सिम किसी और स्टेट में दिल्ली या मुंबई में ले जाओगे तो आपके वहाँ पे नेटवर्क आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली और मुंबई में जाओगे और आपके नेटवर्क चले जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ बात है, दिल्ली और मुंबई के लिए सरकार ने अलग से कंपनी बनाई है जिसका नाम है MTNL, जो कि इन्हीं 2 रीजन्स को देखती है। अब यहाँ पे अगर आप किसी और स्टेट से अपना BSNL का सिम ले जाओगे दिल्ली और मुंबई तो वहाँ पे डॉल्फिन के सिग्नल आएंगे जो कि होते हैं MTNL के। अब यहाँ पे सरकार ये भी बात करी है कि BSNL और MTNL को मर्ज कर देंगे, दोनों एक ही कंपनी बना देंगे, तब आपके लिए सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी, जो कन्फ्यूजन है मार्केट में वो सब दूर हो जाएगा और आपको भी ईजिली दिल्ली और मुंबई में BSNL का सिम अवेलेबल हो जाएगा। और सपोज आप दिल्ली और मुंबई से हो और आपको BSNL का सिम चाहिए ही चाहिए, तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा, मतलब दिल्ली मुंबई से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा और सिटीज में, वहां जाकर आप सिम ले सकते हो और जब वापस आओगे तो आप वहां भी अपने BSNL के नेटवर्क को यूज कर सकते हो। अब यहां से अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मैंने BSNL सिम में पोर्ट करा लिया तो उसके बाद अपना अकाउंट कैसे मैनेज करूंगा, अपने BSNL का कैसे रिचार्ज देखूंगा, कैसे देखूंगा मैंने कितना डाटा खर्च कर लिया, कितने मिनट बचे मेरे उसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे अब BSNL की एक नई ऐप आई है, आप उसे जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं BSNL की ऐप को लेकर, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक BSNL पुरानी ऐप भी है उसका जो यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, बट जो BSNL ने अब नई ऐप बनाई है उसका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेगा वी की ऐप की तरह। तो अगर आप उसे यूज करोगे तो आप देखोगे कितनी इंप्रूवमेंट की है BSNL ने, आपको लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो। और इस ऐप का हमने पूरा ट्यूटोरियल बनाया, हमने एकदम इन डेप्थ इस ऐप को कवर किया, अगर आपको वो देखनी है वीडियो तो आपके आई बटन में आ रही होगी, आप वो जाकर देख सकते हो, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में भी। अब यहाँ से अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपने BSNL सिम को एज अपना प्राइमरी सिम यूज कर सकता हूँ इंटरनेट यूज करने के लिए। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, BSNL के नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया मोस्टली इतने अच्छे नहीं आते कि आप उसे ऐसा प्राइमरी इंटरनेट डिवाइस यूज कर सको। और कई लोग हमारे कमेंटेशन में ये बोलते हैं कि हमारे जो BSNL 3G नेटवर्क है वो और कंपनी के 4G नेटवर्क से भी अच्छे आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली BSNL के सिम को इंटरनेट यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आपके एरिया में सिग्नल नहीं आते तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि अगर आपके एरिया में सिग्नल ही नहीं आएंगे तो जो BSNL के अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड प्लान्स हैं, वो आप यूज ही नहीं कर पाओगे ढंग से, तो आपको जो पूरा यूजर एक्सपीरियंस है इंटरनेट यूज करने का वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अगर आपके एरिया में सिग्नल अच्छे नहीं आते। अब आप वेट कर सकते हो BSNL 4G का तब तक के लिए। अब यहाँ से सेवंथ क्वेश्चन ये है कि क्या BSNL के सिम में OTP मैसेज आते हैं। दोस्तों, मैं इस सिम को यूज कर रहा हूँ पिछले कोई 4-5 महीने से और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई OTP मैसेज में। अब बहुत लोग बोलते हैं उन्हें आती है, तो मुझे नहीं पता, वो हो सकता है,
बट पर्सनली मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आया। तो आप बेफिक्र होकर BSNL सिम ले सकते हो अगर आपको इस चीज की टेंशन थी तो। अब यहाँ से अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या 4G डोंगल और मोबाइल फोन में BSNL का 3G सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। दोस्तों 4G फोन में डेफिनेटली आपका BSNL का सिम चल पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ 4G डोंगल्स के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ डोंगल मैंने ऐसे टेस्ट किए जिनमें BSNL का 3G चल रहा था, बट कुछ डोंगल मैंने ऐसे टेस्ट किए जिनमें नहीं चल रहा था। तो आप श्योरली नहीं बोल सकते, डोंगल पर डिपेंड करता है कि उसमें 3G नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर आपके एरिया में BSNL 4G है तो बेफिक्र होकर आप उसमें भी चला सकते हो अपना इंटरनेट। अब यहाँ से अपने 9th क्वेश्चन पे आते हैं कि अब बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या BSNL सिम में कॉल के साथ इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता जैसे और सिम में चलता है। दोस्तों हमने टेस्ट किया, मैंने इसे जब यूज भी किया तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नेट नहीं चलता। जब आपके BSNL सिम में कॉल आएगा तब आप इसका नेट यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल पे होते हो, कोई बंदा आपको कुछ व्हाट्सएप पे भेजता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी देखना होता है, तब यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे हमें 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर की BSNL सिम हम कहाँ से ले, हमें मिल ही नहीं रहा अपने शहर में। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जो BSNL के जो सिम मिलते हैं ना पोर्ट कराने के लिए, वो बहुत लिमिटेड शॉप में मिलते हैं। मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ा था तब जाकर मैं शॉप मिली थी। अब ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है, आप किसी भी मोबाइल शॉप में जाओ, वहाँ पूछना कि वहाँ पोर्ट होता है BSNL का नहीं होता, वो बता देगा। अगर होता है तो करा लेना, अगर नहीं होता होगा तो वो रिकमेंड कर देगा कि उस शॉप में जाओ, आपको वहाँ जाकर आपका सिम पोर्ट हो जाएगा। अगर आपका काम ऐसे भी नहीं होता तो आप कॉल करना BSNL ऑफिस नियर मी, अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो वहाँ पे, और वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे। अब यहाँ पे अपने 11th क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कि क्या मुझे BSNL सिम एक्टिवेट करना पड़ता है पोर्ट कराने के बाद। एक्चुअली पोर्ट कराने का प्रोसेस क्या होता है, आप रिक्वेस्ट डालते हो, फिर 3 दिन का वेट करते हो, जब आपके इसमें सिग्नल आते हैं सिम में तब आपको एक्टिवेट करना पड़ता है एक नंबर डायल करके। अब जी हाँ दोस्तों, आपको हर सिम में ये चीज़ करनी पड़ती है, तो BSNL में भी करनी पड़ती है। अब हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, सौरभ गया था BSNL ऑफिस, तो वहाँ एक बंदा बहुत गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि अब ये सिम एक्टिवेट भी मुझे खुद करना पड़ेगा। वो मतलब शायद वो पहली बार सिम ले रहा होगा बंदा वो, क्योंकि ये प्रोसेस हर सिम में सेम होता है, आपको एक्टिवेट के लिए करना ही पड़ता है। अब यहाँ से अपने 12th क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कि क्या मुझे इनके प्रीपेड रिचार्ज में OTT सर्विसेज देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब आपको जो मोस्टली एक ही OTT सर्विस देखने को मिलेगी इनके रिचार्ज में, वो है Eros Now की। अब यहाँ पे जो फेमस OTT सर्विसेज हैं, जैसे आपके हो गया Amazon Prime हो गया आपका, जैसे हो गया Netflix हो गया, जैसा Hotstar हो गया, वो देखने को नहीं मिलती इसमें। और अगर आपको म्यूजिक के लिए चाहिए तो आपको इसकी Zinc ऐप है, वो देखने को मिल जाती है, और कुछ उसमें BSNL ट्यून्स करके भी एक इनकी सर्विस है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। सो अब यहाँ से अपने 13th क्वेश्चन पे आते हैं। जब बहुत लोग कंफ्यूज हैं जो BSNL का सिम है कि वो 3G है कि 4G है। अगर आप कहीं भी सिम लोगे अगर BSNL का इस समय, तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि वो 4G सिम है, बट उसमें 4G नहीं चलेगा मोस्ट ऑफ द एरियाज में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक ऑल ओवर इंडिया BSNL का 4G रोल आउट नहीं हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे एरिया में तो BSNL का 4G है। दोस्तों उसे ऑल ओवर इंडिया रोल आउट नहीं बोलते, बहुत स्पेसिफिक एरियाज में हुआ है, तो उसे बोलते हैं कि आपके एरिया में BSNL 4G है, वो ऑल ओवर इंडिया नहीं है। अब ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया अभी ट्रायल्स चल रहे हैं BSNL 4G के। BSNL पूरा तैयार है 4G लाने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से डेट आई है कि 15 अगस्त तक आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया रोल आउट देखने को मिल जाएगा BSNL 4G का। सो आप यहाँ पे BSNL 4G का वेट कर सकते हो। अब यहाँ से अपने 14th क्वेश्चन पर आते हैं, वो ये है कि क्या मुझे डॉक्यूमेंट फिर से देने पड़ेंगे पोर्ट कराते टाइम। अब दोस्तों ये BSNL की बात नहीं है, आप कोई भी सिम पोर्ट कराओगे अगर तो आपको डॉक्यूमेंट फिर से लगते ही लगते हैं। अब यहाँ से अपने 14th क्वेश्चन पर आते हैं, वो ये है कि जब मैं BSNL सिम पर पोर्ट कराऊंगा तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट फिर से देने पड़ेंगे अपने। तो जी हाँ दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और वही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिसके नाम पे आपका पुराना सिम था। अगर आपका था तो आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाना, अगर किसी और का था तो आपको वही पर्सन ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप आधार ले जाओगे, आपका आधार से आराम से काम हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप शॉपकीपर से बात करोगे तो आपको और अल्टरनेट भी वो दे सकता है वहाँ पे। अब यहाँ से अपने 15th और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है कि मुझे कितना मिनिमम रिचार्ज चाहिए अपने सिम को अलाइव रखने के लिए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा रिचार्ज करा रहा हूँ अपने सिम को चलाए रखने के लिए। मैंने कराया 397 का रिचार्ज। अब जब ये रिचार्ज मैंने कराया था तब मुझे 2 महीने के लिए 2GB डाटा पर डे देखने को मिला था इसमें, और जो कॉल्स हैं वो अनलिमिटेड थी 2 महीने के लिए, और जो मैसेजेस 100 मैसेज पर डे देखने को मिले थे, और जो सी वैलिडिटी थी वो थी पूरे 300 दिन की। मतलब आपका सिम एक्टिवेट रहेगा 300 दिन तक आपकी इनकमिंग आती रहेगी, और अगर आपके उसमें बैलेंस है तो आप मैसेज और कॉल भी कर सकते हो इससे। बट BSNL ने इसकी जो वैलिडिटी है वो कम कर दिया, वो 200 दिन की कर दी है। अब यहाँ पे प्रूफ के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि मुझे 300 दिन की वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिली है। और जब सौरभ ने रिचार्ज कराया था अपने फैमिली मेंबर के लिए तब उसे यहाँ 365 डेज की वैलिडिटी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे टाइम के साथ BSNL इसकी वैलिडिटी कम करता जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपको रिचार्ज कराना है तो फटाफट करा सकते हो आप। तो गाइस यही थे सारे क्वेश्चंस, हमने टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। होपफुली आपके जितने भी डाउट थे हमने इसमें क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे।
और आपको जो छोटे मोटे डाउट हैं वो भी क्लियर कर देंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको जानना है कि ऑल ओवर इंडिया BSNL 3G या 4G कितनी स्पीड आती है, तो यहाँ हमने एक सेपरेट वीडियो कवर की है जिसमें हमने ऑल ओवर इंडिया से आपसे स्क्रीनशॉट मांगे थे, आप लोगों ने भेजे भी, तो उसके लिए थैंक यू। तो वहां जाकर आप वो देख सकते हो, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्पीड के बारे में BSNL की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।